खरगोन न्यायालय परिसर से पुलिस ने एक बार फिर ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से एक ही ऋण पुस्तिका का इस्तेमाल कर अलग अलग लोगों की जमानत कराकर उन्हें जेल से बाहर कराता था। जमानतदार बार बार अनजाने आरोपियों की जमानत देने पहुंच रहा था। इस बार खुद CJM न्यायालय ने संज्ञान लिया, फर्जी जमानतदार के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए। पकड़े गए फर्जी जमानतदार पर कई अन्य लोगों से भी पैसा लेकर जमानत दिलाने का संदेह जताया गया है। थाना प्रभारी BN मंडलोई ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद्मा राजोरा के न्यायालय में 10 अप्रैल को सतीश विरुद्ध नईमुद्दीन के प्रकरण में जमानत के लिए हयात पिता रसूल खां जाति मुसलमान 65 निवासी गोपालपुरा तहसील द्वारा आरोपी नईमुद्दीन पिता नजमुद्दीन काजी की जमानत प्रस्तुत करते हुए उपस्थित हुआ था। जमानतदार तस्दीक के दौरान आरोपी नईमुद्दीन एवं जमानतदार ने एक दूसरे को पहचानने के तथ्य बताए हैं। उनमें भिन्नता पाई गई, जिससे दर्शित होता है कि जमानतदार के तथ्य एक दूसरे से परिचित नहीं है और जमानतदार के द्वारा असत्य रूप से जमानत प्रस्तुत की जा रही है। इस कृत्य पर जमानतदार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ये कल दिनांक को एक आरोपी है नईमुद्दीन, उसकी जमानत के लिए हयात पिता रसूल खां निवासी गोपालपुरा थाना मेनगांव ये उपस्थित हुए थे जमानत के लिए। इनके द्वारा माननीय न्यायालय CJM महोदय के समक्ष बताया गया था शपथ पत्र पर कि आरोपी को पहचानते हैं, लेकिन जब उनके सामने तस्दीक की थे दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, असत्य जानकारी दी गई इनके द्वारा। और साथ ही इनकी ऋण पुस्तिका को जब चेक किया गया तो इनके द्वारा पूर्व में भी 3 जमानत दी गई है, परंतु जो कल इनके द्वारा ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की गई उसमें उसका उल्लेख नहीं था। तो इस आधार पर इनके द्वारा फर्जी तरीके से ऋण पुस्तिका तैयार कर और आरोपी को नहीं पहचानते हुए और माननीय CJM न्यायालय श्रीमती पद्मा राजोरे तिवारी मैडम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर से कि माननीय न्यायालय के आदेश पर से थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।